एम डम कांड। ओ आर यू सीरियस। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ जा रहे आप अपना भाई यश चौधरी एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ में। पता नहीं वीडियो कैसी बनेगी बट कोई बात नहीं। तो यार मेरे ना राइट साइड पे एक ना क्यूट सी भाभी हो या मैरिड गर्ल या कुछ भी कह सकते हो, मैरिड वुमेन वो बैठी हुई है। तो सनी मैं चाहता हूँ कि यार एक बार आप कैमरा उधर करके दिखाओ थोड़ा सा। तो यार ये बहुत अच्छी लग रही हैं, तो सोच रहा हूँ कि यार हिम्मत करके एक बार इनके पास जाके बात बात करके थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह किया जाए। तो सनी मेरी तरफ कर लो भाई। तो मैं सोच रहा हूँ चलो यार इनके पास जाके देखते हैं, थोड़ा सा फ्लर्ट करते हैं, क्या होता है। लेट्स सी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। हाय हाय, बैठ जाओ यहाँ फॉर 2 मिनट्स इफ यू डोंट माइंड। ओके, आप यहाँ अकेले बैठे हुए हो या कोई और साथ में? चलो एनीवे लेट इट बी। पता है मैं दूर से ऑब्जर्व कर रहा था यार, आपकी स्माइल ना बहुत अच्छी लग रही थी। वेल न्यूली मैरिड? ओह नाइस, गुड। सो कोई आने वाला है या फिर ऐसे ही बैठे हुए हो? ओके, बुरा लग रहा तो मैं चला जाऊं यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे बैठा रहो, बैठा रहो आराम से, कोई टेंशन नहीं। अच्छे हो यार आप। माय नेम इज यश। आपका? मतलब परमिशन भी दे रहे हो कि यहाँ पे बैठे रहो और उसके बाद में कुछ बोल भी नहीं रहे हो? डिड आई से समथिंग रॉन्ग या कुछ ऐसा लग रहा हो कि मैं मिसबिहेव कर रहा हूँ आपके साथ में? मतलब मैं हमेशा से चाहता था अपनी लाइफ में ना कि मेरी ना एक मैरिड गर्लफ्रेंड हो। अजीब है ना, थोड़ा सा क्रिंज है ना। मतलब सब लोग सोचते नहीं है आजकल यार, क्या यार गर्लफ्रेंड बिठाएंगे, लड़की बिठाएंगे, फिर उस पर खर्चा करेंगे, इधर उधर जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि यार क्यूट सी ना मैरिड मेरी गर्लफ्रेंड हो, भाभी टाइप में बंदास एकदम। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर मैं जो यहाँ वहाँ घूमने फिर आराम से जा सकता हूँ। जो और पब्लिक देखेगी ना वो बुरा भी नहीं मानेंगी, उनको लगेगा हाँ यार हस्बैंड वाइफ है। तो हमेशा चाहते हैं लाइफ में ना कोई इतनी क्यूट सी बंदी हो, मतलब जो कि मैरिड हो न्यूली। अच्छा सा लगता है ना, आजकल चल भी रहा है, फैशन है, लड़के लड़कियां कम अपनी गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, डायरेक्ट मैरिड गर्ल्स के पीछे जाते हैं। तो मैंने सोचा यार चलो यार एक बार ना ट्राई करना चाहिए, सामने इतनी प्यारी सी लड़की बैठ, लड़की नहीं मतलब लाइक जो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही बैठी हुई है, क्यूट सी भाभी। बुरा लगा तो सॉरी, बस मजाक कर रहा हूँ यार वैसे ही। बट बताओ ना यार कुछ तो बोलो यार। मौनव्रत है, टुडे इज़ वॉट, लाइक टुडे इज़ संडे, सो मौनव्रत है। अच्छा, डॉग से डर लगता है? ये मेरा दोस्त है मैक्स, मैं जहाँ जाता हूँ इसको साथ लेके जाता हूँ। लाइक डॉग्स और नो? मतलब मुझे लग रहा है कि आज आपका मौनव्रत है, तो आप आज ऐसे ही बैठने वाले हैं। बोल सकते हो मुझे, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा। आपकी स्माइल अच्छी है, वही मैं देखी थी मैंने दूर से, बट पास आके देखा तो आप और ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। वैसे भी आप रेड में ना काफ़ी हॉट एंड सेक्सी लग रहे हो। वैसे अच्छा लगता है यार गर्ल्स में ना रेड कलर बहुत अच्छा लगता है हमेशा से, और फिर न्यू मैरिड लुक तो एकदम ऑसम यार, अलग ही फील होता है देखने में। तो ड्रीम्स होता है ना कि यार बंदी ऐसे हो। कौन आने वाला है? वेल हस्बैंड, सिस्टर, मॉम, हु इज कमिंग बता दो, उसके आने से पहले मैं चला जाता हूँ। कह रहा यार ये नंबर अगर लाइक कुछ बोल नहीं रहे हो तो कोई बात नहीं, कॉल पे बाद में बात कर लेंगे, और इंस्टाग्राम वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गिव मी। टेल मी, कुछ तो बोलो यार। हाँ यार नहीं बोल दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर अच्छा बता दो, बुरा फीडबैक बता दो। चलो ये बता दो मेरा फ्लर्ट कैसा था, मैं किसी और के साथ ट्राई कर लूँगा। होता है ना चांस के लिए बता देते हैं, चलो अच्छा था, गुड ट्राई, नाइस नाइस, ओह थैंक यू। तो बट यार बोल के ही बता सकते हो ना, मैं जानना चाहता हूँ यार इस खूबसूरत सी स्माइल के पीछे की वॉइस कैसी है। यू कैन टेल मी यार, कमी है? आई एम लुकिंग बैड, लाइक अगली बॉय, डर्टी बॉय, गली बॉय?
सो ये ऐसे ही बैठे रहना है आज, ये बता दो मौन व्रत के साथ में कुछ तो दसना कुड़िए, भाभी बता दो। देखो अब तो मैंने प्यार से भाभी भी बोल दिया आपको, क्या है जो नंबर नो ओके अब बोलते नहीं हो क्या, या मैं मजाक कर रहा हूँ तो आपने सोच रखा है कि इस बंदे को इग्नोर ही करना है? कुछ तो बताओ यार, मैं ऐसे चला जाऊंगा पक्का, कुछ तो बोलो, स्पीक आउट, से समथिंग। नहीं बोलना कुछ भी, बैठा रहूं, मेरी मर्जी। व्हाट्स योर नेम? नहीं बताना। फिर भी इतना चुप क्यों रहना यार, एकदम खामोश, बिल्कुल भगा दो मुझे, गुस्सा कर लो। चलो मैं देख लेता हूँ कि मुझ पर गुस्सा कैसे कर सकते हो, गुस्सा करके भगा दो मुझे आप, मैं वहां से चला जाऊंगा। अद्धा लाके तो वो मार दो मेरे सिर में। मैं चला जाऊंगा, बट एटलीस्ट यार बोलना तो चाहिए ना। सी समथिंग यार, अच्छा बुरा, क्या इशारों में बातचीत करना, प्लीज यार बोलो ना। से समथिंग, कुछ तो बोलो, लिख के बता दो यार, और बताओ। जाऊं मैं यहाँ से? टाइप करके बता दो भाई। अच्छा एक बात बताओ, आप बोल सकते हो या नहीं ये तो बता दो। ओ सो यू आर आई एम डम कर्ण, ओ आर यू सीरियस? ओके मजाक तो नहीं कर रहे आप? आई एम सो सॉरी इफ यू आर राइट। यहाँ किसका वेट कर रहे हो, हस्बैंड का और किसका? हस्बैंड क्या? ओके कब आने वाले हो? अच्छा डाइवोर्स हो चुका है? अगर डाइवोर्स हो चुका है तो ये क्यों वेयर किए हुए अभी भी? मतलब होता है ना डाइवोर्स के बाद तो ये लोग उतार देते हैं। ओ, आपको बहुत प्यार था उनसे और उन्हें? नहीं तो फिर डाइवोर्स का रीजन क्या हुआ? आप गूंगी हो सिर्फ इसलिए? मतलब कोई डम्प होता है तो लोग बोला आप सिर्फ ये इस गेटअप में इसीलिए रहते हो कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे? हाँ और रीजन ये है कि बस डम्प हो तो डाइवोर्स? सो सॉरी। कितने अजीब होते हैं यार लोग कभी कभी, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उन्हें पता नहीं होता कि शायद कोई लोग उनसे इतना प्यार भी करते हैं कि इस तरह से भी रह सकते हैं। सल्यूट है यार आपको। पता है मैं यहाँ फ्लर्ट करने के लिए आया था, मेरा एक छोटा सा चैनल है, माय नेम इज़ यश चौधरी, माय कैमरा इज़ देयर पेड़ के पीछे, सी डोंट माइंड, सी अगर गुस्सा ना आ रहा हो तो बोलूँ आगे। तो मैं ऐसे ही ना फ्लर्ट करने के लिए आया था कि बाद में मतलब थोड़ा सा फ्लर्ट करूँगा फिर चला जाऊँगा, या छोटा सा मजाक,
बट यहाँ तो साइलेंट कर दिया यार आपने मुझे. सीरियसली इज इट ट्रू व्हाट एवर यू आर सेइंग इन योर वर्ड्स? नाइस. व्हाट्स योर नेम? कैन यू टाइप? ओके अपर्णा. नाइस. सो योर न्यू क्या कहते हैं लाइक योर निकनेम इज अप्पू हो सकता है. कैन वी गुड फ्रेंड्स? मेरे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं भी कभी कभी चैट कर लिया करूँगा. हो सकता है कि मैं कम कर लूँ. मेरी बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ आती है. कुछ टाइम पहले ना मैंने ऐसे पार्क में गया था, तो गलती से आप बिलीव नहीं करोगे, सिमरन नाम था उनका, वो ऐसे पार्क में बैठी होती है. एंड सी इज़ ऑल्सो डम्प. मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब वो भी ऐसी थी, बट उनकी स्माइल बहुत प्यारी थी. आप मेरे चैनल पर विजिट करना तो आपको देखने को मिलेंगी, बहुत क्यूट स्माइल थी उनकी भी. होते हैं आपके ऐसे बहुत सारे लोग स्माइल रखते हैं, तो आप भी उसके ऐसे स्माइल रखो. देखना मेरी वो वीडियो आप. एंड सो चैट करते हो आप? सो कैन आई गेट योर नंबर? लेट्स से ऐसा छोटा ब्रदर या दोस्त कुछ भी समझ सकते हो. बिकॉज मैं जो फ्लाइट कर रहा था वो एग्जैक्टली वीडियो का पार्ट था. सो टाइप योर नंबर. आपको उसकी सिमरन वाली वीडियो में फिर भी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. उसकी जो स्माइल है ना बहुत प्यारी है, मतलब उसको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं थी. सेम आप बहुत खूबसूरत हो, आपको ये वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है. स्माइल के साथ जियो, ये सबसे स्पेशल है. और लेट इट बी यार, जो गया जाने दो उसको. ज़िंदगी में लोग आते रहते हैं और किसी के जाने से हमारी लाइफ नहीं रुकती. सो इन्जॉय योर डे एंड होप यू डोंट माइंड कैन आई अपलोड ऑन यूट्यूब दिस वीडियो, ताकि लोग देख सके और उनको मोटिवेशन मिल सके. होप यू डोंट माइंड. None. So thank you. Nice to meet you. We'll talk and chat. Cause अभी तो मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ. तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. तो सल्यूट है आपको. अभी बैठे रहोगे? अब तो सच बता दो, मॉम आएंगी या हस्बैंड? हस्बैंड तो आएगा नहीं. अभी बैठना चाहते हैं थोड़ी बहुत देर और. ओके आई एम गोइंग. बाय. टेक केयर.